वर्तमान के प्रदेश सरकार लाख दावे क्यों न कर ले, क्यों पर्ची और खर्ची पर लगाम लगा चुकी है, मगर हकीकत क्या है ये आज सबके सामने है। ताजा उदाहरण हाल ही में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रॉबिन है, जिसने खुद कबूल किया है कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों की नौकरी लगवाई है और उससे पहले HPSC के दफ्तर में अधिकारी अनिल नागर के पास से करोड़ों रुपए भी मिल चुके हैं। हालांकि पुलिस ने HPSC के अधिकारी को क्लीन चिट दे दी है, मगर अब छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वो सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें सोनीपत की है, जहां पेपर लीक मामलों से खफा छात्र और उनके टीचर सोनीपत की सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। टीचरों की मांग है कि सरकार सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई हो। बहुत दुखी हैं और ये बच्चे चाहते हैं कि इनको इनके हक की लड़ाई लड़ने के बाद कम से कम दो टाइम की रोटी के लायक नौकरी तो मिल जाए। ये सब सालों साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और बाद में नागर जैसे लोग आके इनके हक की रोटी छीन के खा जाते हैं और देखते देखते, और सरकार कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रही। हम इसके डिमांड कर रहे हैं कि सरकार इनके हक इन्हें दे। सर सड़कों पर कहाँ कहाँ तक जाएंगे प्रदर्शन? सर ये अभी हम DC के ऑफिस में जा रहे हैं, उनके सामने ये धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि हमारी बात मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाई जाए और इन बच्चों के हक की रोटी इनको दी जाए। पुलिस कह रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर गिरफ्तारी के बाद आप ये देखिए, जांच के बाद क्लीन चिट भी तो मिल गई है ना। जांच तो पता नहीं कितने लोगों की हुई है, उस जांच के बाद रिजल्ट क्या आया, और जब वो आदमी ये कबूल कर रहा है कि मेरी गलती है, मैं लिप्त हूँ इनमें, तो क्यों नहीं उसको क्विक डिसीजन लेके और चीज़ों को क्लेरिफाई किया जाता। पुरानी जितनी भर्तियाँ हैं जिनमें धांधलेबाजी हुई है, क्यों नहीं वो लिस्ट निकाली जाती, और जितने मंत्री जितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं, क्यों नहीं उनका पर्दाफाश किया जाता। सोनीपत की सड़कों से होते हुए छात्र अपने टीचरों के साथ DC ऑफिस पहुँचे, उन्होंने CTM और CM के नाम ज्ञापन सौंपा और सभी मामलों की CBI से जांच कराने की मांग की, ताकि सालों तक मेहनत करने वाले छात्रों को नौकरी मिल सके। ये बार बार जो है ना, जैसे अलग अलग जगहों पर जो है, आपको पता चलता है कभी कोई पेपर लीक का सरगना पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, तो ये बड़े पैमाने पर गड़बड़ है। इसके ऊपर जो है लगातार हम लोग जो है ये बातें कर रहे हैं कि इनका जो है जाँच CBI से होनी चाहिए और जो भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ का जो है पर्दाफाश पूरा होना चाहिए, और हम लोग जो है लगातार इस बात को जो है उठाते रहेंगे जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। अनिल नागर एक बड़ा अधिकारी था, HPSC के ऑफिस में उसके पास करोड़ों रुपए मिले हैं, उसके पास बाद में भी मिले हैं, उसने कबूल भी किया कि हजारों लोगों को गलत तरीके से लगवाया। अभी जो है रॉबिन जो पकड़ा गया है, इसने हजारों लोगों को गलत तरीके से पकड़वाया है, तो हम लोग इसकी मांग करते हैं कि जो है इनका पूरा जो है मामला पर्दाफाश होना चाहिए और सरकार के कौन अधिकारी इसमें शामिल है, कौन नेता शामिल है, ये CBI जांच से जो है क्लियर होगा, तो हम इसकी मांग CBI से करवाने की मांग करते हैं। बहरहाल पहले अनिल नागर और अब रॉबिन सामने आने के बाद भर्तियों से युवाओं का भरोसा डगमगा जरूर गया है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत SDF ने खुलासा किया था कि 2019 में दिल्ली पुलिस में सिपाही रॉबिन, जिसे उसके पिता ने फर्जी तरीके से दिल्ली पुलिस में भर्ती करवाया था, उसने 2013 में फर्जी तरीके से नौकरी लगवाने का गोरख धंधा शुरू किया था, जिससे वो भारी संख्या में गड़बड़ी कर नौकरी दिला चुका है। अब छात्र मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।